वैसे तो सदियों पुराना स्थान है जिसका जिक्र प्राचीन काल के मिले शिलालेखों में किया गया है, मगर एक राज्य के रूप में इसे पहचान मिली 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा का एक राज्य के रूप में गठन हुआ। उस समय इस प्रदेश के सामने अनेकों चुनौतियां थी और देश दुनिया की नजरों में ये संशय था कि इतने बड़े देश में एक छोटा सा राज्य कैसे अपने अस्तित्व को बचा कर रखेगा। मगर यहाँ के मेहनतकश लोगों ने और पावन मिट्टी ने वो कमाल कर दिखाया कि आज हरियाणा लगभग हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ हरियाणा प्रदेश ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी काफी उन्नति की है। हरियाणा की स्थापना के वर्ष यानी 1966-67 में हरियाणा में केवल 58 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन किया जाता था, जिसमें केवल 1.5 लाख मछली बीज का संचय करके लगभग 600 टन मछली का उत्पादन किया जाता था। विभाग के पास सिर्फ 3 ही मत्स्य बीज फार्म थे। समय बदलता गया और अन्य क्षेत्रों की तरह ही हरियाणा ने इस क्षेत्र में भी काफी तरक्की की और प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसीलिए आज मछली पालन रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। आज जल कृषि किसानों की जिंदगी में बेहतरी की तरफ हुए नए बदलाव का असल श्रेय इस बात को ही जाता है कि मत्स्य पालन विभाग हरियाणा ने प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित और संचालित योजनाओं को सही से लागू किया है। ये योजनाएं मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लागू की जाती हैं, ताकि आम नागरिक इनका लाभ उठा सकें और मत्स्य पालन में तरक्की के नए आयाम स्थापित कर सकें। मत्स्य पालन विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य किसानों को प्रशिक्षित करना, उत्तम किस्म के मछली बीज का उत्पादन करना और मत्स्य किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराना है। इसके अलावा प्राकृतिक जल संसाधनों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मछली की अधिक से अधिक प्रजातियों का उत्पादन करना और मत्स्य किसानों को मछली पालन क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना भी विभाग के मुख्य उद्देश्यों में ही शामिल हैं। मत्स्य विभाग हरियाणा कहां से यहां तक पहुंचा है, इसका आकलन करने के लिए हम विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 42,482 एकड़ भूमि में मछली पालन करके 1,677.35 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान 45,015.4 एकड़ जल क्षेत्र को मछली पालन के अधीन लाकर 2.12 लाख मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 58,250 एकड़ की तुलना में 44,830 एकड़ जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 1,44,000 मेट्रिक टन सितंबर 2023 तक मत्स्य उत्पादन किया गया है। विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में 70 एकड़ क्षेत्रफल को सफेद झींगा पालन के अधीन लाया गया था। वहीं वर्ष 2022-23 के दौरान 1,718.98 एकड़ जल क्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अधीन लाकर 5,681 मेट्रिक टन झींगा उत्पादन किया गया तथा 2023-24 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 2,500 एकड़ रखा गया है, जिसमें से 1,370 एकड़ जल क्षेत्र को झींगा पालन के अधीन लाकर सितंबर 2023 तक 6,500 मेट्रिक टन झींगा उत्पादन किया जा चुका है और वर्ष 2023-24 में 2,500 एकड़ नए क्षेत्र में झींगा पालन करके लगभग 8,000 मेट्रिक टन झींगा उत्पादन होने की संभावना है। मत्स्य विभाग हरियाणा एक नजर में। विभाग का कुल बजट 2014-15 में लगभग 6.99 करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर
249.5 करोड़ कर दिया गया है। जल कृषि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मत्स्य विभाग के बजट में ये अद्भुत बढ़ोतरी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी सोच पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री हरियाणा श्री जे पी दलाल जी के अथक प्रयासों से संभव हो पाई है। जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए और विभाग व मत्स्य पालकों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य में सितंबर 2023 तक 116 रिसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS तथा 285 बायोफ्लॉक यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं। इनके अलावा 12 मत्स्य फीड मिल, 10 कोल्ड स्टोरेज, 10 रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स व एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट फतेहाबाद में निर्माणाधीन है, जहां 500 मेट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाना प्रस्तावित है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के परिवारों के कल्याण तहत वर्ष 2022-23 में 3,219 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान इसी योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को अनुदान प्रदान करने के लिए 3.66 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2023-24 के दौरान मीठे पानी, खारे पानी, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, मत्स्य फीड मिल, RAS, बायोफ्लॉक जैसी नवीनतम तकनीकी इकाइयां स्थापित करके मत्स्य उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसी योजना की विभिन्न मदों के अंतर्गत सामान्य वर्ग के प्रार्थी को 40% की दर से अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति के प्रार्थी को 60% की दर से अनुदान प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य प्रायोजित योजना इंटेंसिव फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मत्स्य किसानों को विभिन्न मदों पर अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम पर कुल परियोजना लागत लगभग 4 लाख पर 50% की दर से, तालाबों पर एरिएटर लगाने पर 50% या 20,000 रुपए प्रति एरिएटर, जो भी कम हो। मत्स्य किसान को मछली परिवहन के लिए चौपहिया वाहन पर कुल लागत का 25% या 1.5 लाख रुपए, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सफेद झींगा पालन की फसल बीमे के प्रीमियम पर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश में पहला राज्य बना है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रदेश के मत्स्य किसानों के 2,907 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गए, जिसमें से 212 किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा KCC के लिए 356 चेतना शिविरों के आयोजन भी विभाग द्वारा किए जा चुके हैं। जल कृषि किसानों के हित में काम करते हुए मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा खारे पानी में सफेद झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के लिए गांव गरवा जिला भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सलेंस का निर्माण किया जाना है। इस सेंटर की स्थापना के लिए 98.9 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग के 15 राजकीय मत्स्य बीज फार्मों पर 2,272.05 लाख मत्स्य बीज उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया गया और इसके अलावा वर्ष 2023-24 के दौरान 15 राजकीय मत्स्य बीज फार्मों पर 1,748 लाख मत्स्य बीज उत्पादन सितंबर 2023 तक किया जा चुका है। इसके अलावा
जल कृषि किसानों की सुविधा के लिए मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा गुरुग्राम में एक स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की किसान हितैषी सोच, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन और कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री जेपी दलाल जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए आज मत्स्य पालन विभाग हरियाणा कामयाबी के नए आयाम गढ़ रहा है और प्रदेश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा रहा है।